आज हम बनाने जा रहे हैं मिट्टी के बर्तन में दाल, जो एकदम ढाबे जैसी बनेगी। अब हम बताते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, इस एकदम अच्छी तरह से धुल लीजिएगा, इस तरह से एकदम सफ़ा हो जाइए। और इसको धीमी आँच पे हम चारों तरफ घुमा घुमा के गरम करेंगे, इसको गरम करेंगे घुमा घुमा के इस तरह से, जिससे ये गरम हो जाए। और इधर हम घुमा घुमा के इसके इसको धीरे धीरे गरम करते हैं। और तब तक हम दूसरे गैस पे पानी गरम होने के लिए रख देते हैं। इसमें गरम पानी डाला जाता है, फिर ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी डालने पे मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। मिट्टी का हांडी गरम हो गया है, अब हम इसको धीमा आँच में ही रहने देंगे और ये गरम पानी हम इसमें डाल देते हैं। मैंने इस दाल को धुल के रखा है, इसमें हम थोड़ा सा तेल और थोड़ी सी हल्दी लगा देते हैं। थोड़ी सी हल्दी लगा करके मिक्स करके अब इसको इसमें डाल देंगे हम। मैंने 200 ग्राम दाल ली है, आप अपने अकॉर्डिंग दाल ले सकते हैं। इसको धीमी ही आंच मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे और किसी चीज से इसको ढक देते हैं, ये थोड़ा सा खोल जाए। इसमें सामग्री में बताती हूँ क्या क्या लगता है। मैंने ये दो प्याज कटी हुई ली है, इसमें सामग्री क्या लगती है। इसमें दो प्याज कटे हुए मैंने लिए हैं, इसमें अदरक मिर्चा एक महीन चॉप करके लिया है, एक थोड़ा मोटा मोटा काटा है, जो दांत के नीचे आता है ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और टमाटर मैंने दो लिए, खट्टा आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये थोड़ा देर खोल जाता है तो इसका जो दाल खोलती है तो उस पर एक फेन सा वाइट वाइट आता है, उसको निकाल लेते हैं तब ये सारी सामग्री इसमें डालते हैं। अब ये देखिए मेरा वाइट वाइट ये फेन आ गया है, इसको हम निकाल देते हैं। अब ये सारा सामग्री हम इसमें डाल देते हैं, प्याज चॉप किया हुआ, अदरक मिर्चा लहसुन ये, और जो मोटे थोड़े काटते हैं वो भी हम डाल देते हैं। और ये इतना डाल के हम नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब हम इसको किसी बर्तन से ढक देते हैं, आपके पास प्लेट हो ढक दीजिए या बाउल हो बड़ा, इसको ऐसे ढक देते हैं। और इधर हम धीमी आंच पे थोड़ा गर्म पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए। आप चाहे तो इसी बर्तन में आप गर्म पानी, इसी बर्तन जिस चीज़ को आप ढकी है उसको ही उसी में गर्म पानी रख देंगी तो इसके गर्म से खोलने से ये पानी गर्म हो जाए। अब हम इसको निकाल के थोड़ा सा चेक करते हैं, ये देखिए हम निकाल के इसको चेक करते हैं और हाथ से ऐसे दबाते हैं। दाल हमारी हो चुकी है लगभग। अब हम इस टमाटर को डाल देते हैं, क्योंकि टमाटर पहले नहीं डालना चाहिए तो दाल जल्दी नहीं होती है। अभी हमारी टमाटर हम इसमें डाल करके ढक देते हैं। हमारी दाल हो चली है, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं। मैं इसमें देसी घी का तड़का तैयार करती हूँ। मैंने घी डाल दिया है, घी मेरा आ गया है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया है और इसमें लहसुन डाल देती हूँ। इस दाल का मज़ा तड़के के ही साथ आता है। Thank you.
स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए, जो लगे कि हमारा चूल्हे के गोरे की जैसा स्वाद आया है। इसके लिए मैं कच्चा कोयला जो है गर्म कर लेती हूँ, हाँ इसको एकदम जला लेते हैं और इसको निकाल देते हैं। ये देखिए मेरा कोयला लाल हो चुका है, ये देखिए एकदम चारों तरफ से मेरा कोयला जल रहा है। इसको मैं निकाल के इस बाउल में रख देती हूँ और इस बाउल को इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने डाल दिया, इसमें देसी घी और हींग का दूंगी, हींग लगा दूंगी, जिसपे जो है ये लगेगा कि एकदम ढाबे जैसा फ्लेवर आ गया है हमारा। थोड़ा सा मैं देसी घी डालती हूँ और इसमें हींग डाल देती हूँ। तुरंत ही डालना है और तुरंत इसको बंद कर देना है थोड़ी देर के लिए। इसको मैं डाल करके थोड़ी देर के लिए ये देखिए बंद कर दी, स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है। और इसमें लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देते हैं। धनिया पत्ती डाल करके हम इसको सर्व करते हैं। एकदम ढावे जैसा हमारा दाल एकदम रेडी है। इसमें हम जो हमने लहसुन अदरक वो लहसुन जीरा किया था उसको ऊपर से डाल देंगे। थोड़ा सा गार्निश के लिए अलग से हम धनिया डालते हैं। ये हमारा ढाबे जैसा दाल रेडी है।